एवरीवन, वेलकम अगेन। होप करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक फोल्डेबल स्टोरेज स्टूल की अनबॉक्सिंग, असेंबलिंग एंड फुल रिव्यू। एवरीथिंग मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये है हमारा फोल्डेबल स्टूल जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया है। एंड अभी हमें इसकी अनबॉक्सिंग करनी है एंड इसके बाद फिर हमें इसमें से जो स्टूल है उसको असेंबल करना है। तो चलिए फिर देखते हैं कि किस तरह से हमें ये स्टोरेज फोल्डिंग स्टूल जो है वो रिसीव हुआ है और ये किस तरह से इसको असेंबल करना है। एवरीथिंग मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं पहले, एंड इसके बाद फिर इसकी आगे की डिटेल्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। ये शायद ऊपर का है बिकॉज ये जो मैंने पिक देखी थी उसमें ये सबसे पहले ये ऊपर के साइड का है। काफी ज्यादा हार्ड है ये, तो फर्स्ट अटैचमेंट ये है एंड सेकेंड अटैचमेंट जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है। एंड इसमें जो ये थर्ड अटैचमेंट दिया हुआ है वो ये है। तो चलिए इसको असेंबल करते हैं। ये कुछ इस तरह से है ओपन करने के बाद। इसको भी फिर इसमें ऐसे इसको इसमें इंसर्ट करते हैं। इसके बाद फिर इसको हम इसके ऊपर तैयार हो गया है। एंड इसकी मैं आपको आपको इसको मैं क्लोजअप करके दिखाती हूँ कि ये किस तरह से तैयार हुआ है एंड कितना ये एंड मुझे लगता है कि अगर आपके यहाँ किड्स हैं तो किड्स के पर्पस से, यूज़ के पर्पस से ये काफ़ी सही रहेगा। एंड किड्स के अकॉर्डिंग ही ये बना हुआ है। अगर कहा जाए तो ये किड्स के लिए ही बना हुआ है। इसमें आप किड्स के जो टॉयज होते हैं वो स्टोर कर सकते हो। एंड क्योंकि इसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है तो किड्स के बैठने के लिए, छोटे बच्चे जो होते हैं उनको बैठने के लिए भी सही कंफर्टेबल रहेगा। तो ओवरऑल मुझे ये किड्स के पर्पस से, अगर क्या आपके यहाँ बच्चे हैं तो उनके पर्पस से मुझे ये ज़्यादा सूटेबल रहा है। तो अगर आप चाहो तो बाय कर सकते हो।